चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी पार्ट है, कुछ चुनिंदा पर्सन जो पहले परीक्षा में आए हुए हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, इस पार्ट में तो मैं साफ साफ कहूँगा आपको, यदि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मैथ के ऊपर आधारित है। चलिए स्टूडेंट्स अगले पार्ट को, पार्ट फोर आखिरी पार्ट है, उसको पूरा करते हैं। कहता है 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होगी। देखिए 12 घंटे में घड़ी की सुई सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हो। देखिए स्टूडेंट्स, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक घंटे में एक बार यदि विपरीत होती हैं तो स्टूडेंट्स आता है 12 गुणा 1 इक्वल टू 12 बार। लेकिन फिर स्टूडेंट्स फिर से कहूँगा कि घड़ी की संरचना के ऊपर जाइए, स्ट्रक्चर के ऊपर जाइए, वो स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसा होता है, ये 6, 7 और 5 क्या होता है, 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही बार 6 एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत मतलब स्टूडेंट्स 180 एंगल, तो कहीं ना कहीं यहां पे एक कम हो जाता है। एक कम होने की वजह से स्टूडेंट्स हमारा उत्तर आएगा 11 बार, क्योंकि स्टूडेंट्स हर घंटे में एक दूसरे से विपरीत होती तो उत्तर 12 आता, लेकिन स्टूडेंट्स 5 और 7 के बीच सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वो 6 बजे, तो स्टूडेंट्स इस वजह से हमारा एक कम हो जाता है तो 11 बार आता है। यदि पूछ लेता कि 24 घंटे में, तो स्टूडेंट्स 11 को हम डबल कर देते 22 बार आता। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कहता है एक घड़ी 5 मिनट पहले से ही धीमी है, एक घड़ी 5 मिनट पहले से ही धीमी है। फिर कहता है स्टूडेंट्स तथा 5 सेकंड प्रति मिनट धीमी हो जाती है, तथा 5 सेकंड प्रति मिनट, 5 सेकंड प्रति मिनट धीमी हो जाती है यदि इसी प्रकार घड़ी चलती रहे तो कितनी घंटों बाद एक घंटा धीमी हो जाएगी। अभी हाल में ही किसी परीक्षा में स्टूडेंट से पूछा गया था, कहता कि एक घड़ी 5 मिनट पहले से ही धीमी है, फिर 5 सेकंड प्रति मिनट धीमी हो जाती है, यदि इसी प्रकार घड़ी चलती रहे, सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, तो कहता है कि कितने घंटों के बाद घड़ी 1 घंटा धीमी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 घंटा धीमी, इसका मतलब 60 मिनट हमें वो धीमी करनी। स्टूडेंट्स 5 मिनट ऑलरेडी वो धीमी हो चुकी है, -5 मिनट, इट मींस हमें घड़ी को 55 मिनट धीमी करना है, क्योंकि साफ साफ कहता है कि 1 घंटा स्टूडेंट्स 1 घंटे का मतलब होता है कि 60 मिनट, 5 मिनट ऑलरेडी वो लेट है, धीमी चल चुकी है, तो स्टूडेंट्स हमें उसको 55 मिनट धीमी करना है। इसी प्रकार देखिए 5 सेकंड धीमी चलती है,
बराबर है एक मिनट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 सेकंड धीमी चलती है बराबर है एक मिनट की। 1 सेकंड धीमी चलती है इक्वल टू 1/5 मिनट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 55 मिनट है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड में है, तो हम 55 मिनट के सेकंड बढ़ा लेते हैं, 55 × 60। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 0, 5 × 30, हमारे पास सेकंड आती हैं 3300। जो 55 मिनट हमने धीमा करना था उसका हमने यहाँ पे सेकंड बढ़ाया, तो हमारे पास सेकंड आते हैं 3300। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3300 सेकंड धीमी चलती है इक्वल टू 1/5 × 3300 मिनट। और स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करते हैं, 5 × 30 इसका मतलब हमारे पास आता है 660 मिनट। यानी कि 660 मिनट के बाद घड़ी जो है इसी तरह चलती रहेगी तो 1 घंटा धीमी हो जाएगी। इसका स्टूडेंट्स यदि हम घंटे बनाते हैं 60 तो हमारे पास आता है 11 घंटे। इफ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू देन वी कैन से दैट आफ्टर 11 आवर्स द आवर विल बी लेट एन आवर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो घड़ी का चैप्टर है वो मैथमेटिक्स के ऊपर भी है। यदि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमज़ोर है तो मैं कहूँगा कि आप इनमें थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए, 1 घड़ी में 4:48 का समय है। देखिए ध्यान से, कहता स्टूडेंट्स 1 घड़ी में 4:48 का समय है। यदि इसकी सुइयों को बदल दिया जाए, यदि सुइयों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो संभावित समय होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन भी दिए थे 9:24, 9:25, 9:26, 9:27। देखिए अभी आपको घड़ी को बनाना पड़ेगा ऐसे 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। स्टूडेंट्स टाइम है 4:48। इट मीन्स आपकी जो छोटे वाले सुई होती है वो 5 से पीछे होती है और बड़े वाले सुई स्टूडेंट्स देखिए 45, 46, 47, 48 बड़े वाले सुई आपकी यहाँ पे होती है। यदि आप घड़ी में देखते हैं तो 4:48 का समय आपको ऐसा दिखाई देगा। अब कहता है कि इनके आवर और मिनट एंड को रिप्लेस कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपकी होती है बड़े वाली घड़ी और ये आपकी होती है छोटे वाली घड़ी। तो देखिए ऑप्शंस में देखिए स्टूडेंट्स 9:25, 9:26, 9:27 का भी नहीं हो सकते क्योंकि ये घड़ी की बड़े वाली सुई जो हो 5 से पीछे है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये 9 से ऊपर है तो 5 से पीछे होगी। तो स्टूडेंट्स 5 का मतलब होता है 25। तो स्टूडेंट्स लगभग जो संभावित समय होगा वो होगा 9:24। स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे अपने आप को तैयार रखिए, दिमाग लगाइए और उसको सोल्व कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कहता है एक घड़ी अनियमित रूप से तेज चल रही है। कहता है एक घड़ी अनियमित रूप से तेज चल रही है, तेज चल रही है। कहता है स्टूडेंट्स मंगलवार सुबह 3:04 पीछे थी, मंगलवार सुबह 4 बजे
मंगलवार सुबह स्टूडेंट्स कहता है तीन बजे चार मिनट पीछे थी। फिर कहता है बृहस्पतिवार सुबह तीन बजे स्टूडेंट्स कहता है बृहस्पतिवार सुबह तीन बजे बृहस्पतिवार सुबह तीन बजे दो मिनट आगे थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। देखिए स्टूडेंट्स अनियमित रूप से तेज चल रही है। मंगलवार सुबह तीन बजे जब घड़ी को देखा तो वो चार मिनट सही समय से पीछे थी, इसका मतलब वो 2:56 का समय दिखा रही थी। फिर कहता है बृहस्पतिवार सुबह जांच किया तो वो सही समय से दो मिनट आगे थी, इसका मतलब 3:02 दिखा रही थी। तो कहता है स्टूडेंट्स घड़ी ने सही समय किस दिन दिखाया होगा? जाहिर सी बात है कि घड़ी ने सही समय मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच ही दिखाया होगा। देखिए स्टूडेंट्स मंगलवार सुबह तीन बजे इधर देखिए, बृहस्पतिवार सुबह तीन बजे, इनके जो बीच का अंतर होता है स्टूडेंट्स वो होता है बुधवार तीन और बृहस्पतिवार तीन, स्टूडेंट्स वो होता है 24+24=48 घंटे होता है। यानी कि स्टूडेंट्स 48 घंटे का समय होता है मंगलवार सुबह तीन से और बृहस्पतिवार सुबह तीन के बीच। अब देखिए 48 घंटे में पहले तो वो चार मिनट पीछे थी, अब वो दो मिनट आगे होती है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं घड़ी 6 मिनट तेज चली है। ये आपको स्वीकार करना होगा कि 48 घंटे में 4+2=6 मिनट घड़ी तेज चली है। देखिए 48 घंटे में तेज चलती है बराबर है स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं देखिए एक मिनट, 6 मिनट तेज चलती है बराबर है 48 घंटे, क्योंकि मंगलवार सुबह तीन से बृहस्पतिवार सुबह तीन के बीच 48 घंटे का समय होता है। एक मिनट तेज चलती है =48/6, और स्टूडेंट्स यदि हम उसको सिर्फ चार मिनट तेज चलाते हैं तो स्टूडेंट्स समय जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो दो मिनट आगे चलती है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ चार मिनट उसको तेज चलाते हैं तो सही समय आ जाता है। देखिए चार मिनट तेज चलती है 48/6 × 4 = 6 × 8 = 48, तो स्टूडेंट्स 8×32 यानी कि 32 घंटे के बाद, यानी कि मंगलवार सुबह तीन से 32 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया था। देखिए स्टूडेंट्स मंगलवार सुबह तीन में यदि हम 32 घंटे जोड़ देते हैं तो घड़ी ने सही समय उस समय दिखाया था। स्टूडेंट्स मंगलवार सुबह तीन में 24 घंटे जोड़ते हैं तो आता है बुधवार के सुबह तीन बजे। अब देखिए घंटे हमारे पास रहते हैं 6 और 2 = 8, तो स्टूडेंट्स सुबह तीन बजे में 8 घंटे और जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स 8 और 3 = 11, बुधवार सुबह 11 बजे घड़ी ने सही समय दर्शाया था। चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं। मैं पहले कहा था इफ़ यू हैव गुड इन मैथमेटिक्स तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी जो कुछ दिनों पहले किसी परीक्षा में आया हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स कहता है किसी घड़ी में 2:17 PM है, 2:17 PM का समय है। कहता है 11:59 के बाद घड़ी में समय क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन आप गलती कहां करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 2:17 PM
11 घंटे 59 मिनट स्टूडेंट्स 11 घंटे 59 मिनट की बजाय यदि हम इसमें 12 घंटे जोड़ देते हैं, बाद में एक मिनट को हम लेस कर लेंगे, यदि हम 12 घंटे इसमें जोड़ते तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आता 2:17 एएम की बजाय स्टूडेंट्स आता पीएम की बजाय आता एएम। अब देखो हमने यहां 2:17 में 12 घंटे जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स 2:17 ही आता है, लेकिन हमने यहां पे एक मिनट ज्यादा ली है तो स्टूडेंट्स एक मिनट यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 2:16 और एएम आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर 12 घंटे के बाद एएम पीएम चेंज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप गलती कहां पे करते हैं, यहां पे पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा 2:16 जबकि आपका सही उत्तर क्या आएगा 2:16 एएम। तो स्टूडेंट्स वैसे तो काफी क्वेश्चंस और भी किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स को मजबूत बनाइए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के एक होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स चलते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि आपने चारों चैप्टर जो है घड़ी के अच्छे से जो है लर्न किए होंगे, कुछ नया सीखा होगा आपने। तो स्टूडेंट्स अगले वाला चैप्टर में जो है कैलेंडर में हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।